हो या चिन्मयानंद हो, हर जगह भाजपा के नेताओं का नाम आता है। नए साल के पहले दिन दिल्ली के कंझावला में हुए हिट एंड रन मामले से दिल्ली का माहौल अब गर्माता जा रहा है। एक तरफ जहां पुलिस की लापरवाही के लगातार आरोप लग रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब उस मामले में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कुछ नेताओं के नाम भी सामने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने आने के बाद जो दूसरे राजनीतिक दल हैं उनकी आक्रामकता बढ़ गई है। कांग्रेस से लेकर के आम आदमी पार्टी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दिल्ली के एलजी पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं इस मामले में भी अब कई सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां पहले मामला लगातार हिट एंड रन का चल रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि जो मृतक जो हादसे की शिकार युवती थी वो 12 किलोमीटर तक कार से घसीटी गई, वहीं अब उस संबंध में कई नए खुलासे हो रहे हैं। एक सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दिल्ली पुलिस का जो दावा है वो उस दावे के अनुसार दिल्ली पुलिस का कहना है कि मृतका उस वक्त अकेली नहीं थी, उसके साथ में उसकी एक सहेली भी थी। और ये जो उस संबंध में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया, और सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है कि जब घटना के वक्त जब हादसे की शिकार युवती होटल से निकली थी तो उस वक्त उसकी स्कूटी पर उसकी एक सहेली थी। जिस वक्त हादसा हुआ उसे भी चोट आई पर वो उठ करके अपने घर चली गई, जिसके बाद जो है जो युवती हादसे का शिकार हुई है उसका पैर कार में फंस गया और वो करीब 12 किलोमीटर तक घसीटी गई। इस मामले में एक तरफ जहां दिल्ली पुलिस के कई दावे आ रहे हैं, वहीं तमाम चश्मदीदों के जो दावे हैं वो अलग हैं। चश्मदीदों के हिसाब से उन्होंने जब दिल्ली पुलिस को फोन किया तो उनसे कहा गया कि अपना काम करो। इसके अलावा जो है कई सारे और भी अपडेट्स अभी निकल करके आने की संभावना है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने जो है वो एलजी को हटाए जाने की मांग और तेज कर दी है। एलजी के आवास का घेराव कर चुकी है आम आदमी पार्टी। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इस तरीके के बयान आ रहे हैं। कांग्रेस की तेज तर्रार प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने इस संबंध में एक वीडियो जारी किया। वहीं आम आदमी पार्टी लगातार अपनी मांग पर अड़ी हुई है, जो दिल्ली के एलजी को हटाने की मांग है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस जो है वो जांच को और व्यापक रूप से बड़ा कर रही है। होटल के कई कर्मचारियों से उसने जो है बयान लिया इस संबंध में, और साथ साथ कुछ और गिरफ्तारियां भी अभी होने के आसार हैं। इसके अलावा होटल से भी जो दिल्ली पुलिस के अनुसार खबर आ रही है कि वहां पर इन दोनों सहेलियों के बीच में पहले कुछ बहस हुई, इनके साथ 5-7 लोग और थे, बहस के बाद फिर इनको वहां से नीचे भेज दिया गया और तब ये इन्हें बाहर जाने को कहा गया। होटल के बाहर निकलकर भी इन दोनों के बीच में कुछ अनबन हुई, जिससे वहां आसपास के लोगों ने इनको टोका, तब ये जो है दोनों लड़कियां वहां स्कूटी से बैठ करके और वहां से चली गई। आपको बताते चले कि यह घटना कंजावल इलाके में 31 दिसंबर की रात करीब 2 बजे की है। कार सवार 5 युवकों ने लगभग 20 साल की युवती को टक्कर मार दी थी। हादसे के बाद युवक जो है वो कार लेकर के भाग निकले थे। हालांकि लड़की जो है वो कार के नीचे फंसी रह गई। पुलिस के मुताबिक उसकी जो मौत है वो मौके पर ही हो गई थी। पांचों युवकों को अब गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इस घटना में जो गाड़ी थी वो गाड़ी भी बरामद हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि आज उस मृतका का अंतिम संस्कार हो सकता है। इस मामले में राजनीतिक दल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं, चूंकि दिल्ली पुलिस जो है वो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो इसलिए उस पर सवाल उठाया जा रहा है। साथ ही साथ जो एलजी हैं, एलजी को लेकर के बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी उन्हें बर्खास्त करने की मांग कर रही है। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी इसको लेकर के बयान आ रहे हैं, जिसमें दोषियों पर कार्रवाई न होने की बात कही जा रही है। साथ में भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर हर तरीके से जब भी महिलाओं के साथ बर्बरता का कोई भी घटना सामने आती है तो उसमें भाजपा नेताओं का ही नाम क्यों आता है। आप सुनिए सुप्रिया श्रीनेत का ये बयान, और उसके साथ साथ आम आदमी पार्टी की तरफ से जो मांग है वो भी सुनते चलिए। नया साल मनाते हुए 5 लोग, दीपक खन्ना, अमित खन्ना, कृष्णन मिथुन और मनोज मित्तल, शराब के नशे में इतने धुत थे कि 12 किलोमीटर तक वो एक लड़की को घसीटते रहे अपनी गाड़ी से। उसकी दर्दनाक चीखें नहीं सुनाई दी और उस लड़की की अंततोगत्वा मृत्यु हो गई। ये कहना दिल्ली पुलिस का है। और कुछ भी आगे कहने से पहले यहां बताना जरूरी है कि मनोज मित्तल नाम का वो एक दरिंदा इन 5 दरिंदों में से भारतीय जनता पार्टी में दिल्ली में मंगोलपुर इलाके में
सह संयोजक है भारतीय जनता पार्टी का, ये उसके पोस्टर बताते हैं, ये मेरा कहना नहीं है। हर जगह भाजपा के नेताओं का नाम आता है लेकिन प्रधानमंत्री भी चुप है। और स्मृति ईरानी जी से तो मुझे यह कहना है कि आप महिला और बाल विकास मंत्रालय की मंत्री हैं, कभी तो अपनी चुप्पी राहुल गांधी जी को छोड़कर किसी और मुद्दे पर भी तोड़ दिया करिए, खास तौर से महिला सुरक्षा के मुद्दे पर। हादसे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हादसा पुलिस ने करवाया होगा, मगर ऐसे हादसे के बाद पुलिस का क्या रवैया रहा, क्या लीपापोती की गई, उसका एक नंगा उदाहरण ये पूरा का पूरा मामला है। मुझे लगता है कि इससे घटिया और इससे गिरी हुई हरकत कोई पुलिस वाला नहीं कर सकता। कि जो आरोपियों का बयान है, जो आरोपी अपने बचाव में कह रहे हैं, वो पक्ष दिल्ली पुलिस के डीसीपी हरिंदर कुमार पुलिस का वर्जन बता के दे रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं, आप सब तो पत्रकार हैं, बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस तो शायद गाड़ियां नहीं चलाते हैं, ड्राइवर है उनके पास, आप सब तो गाड़ियां चलाते हैं, मैं भी गाड़ियां चलाता हूं। एक छोटा सा पॉलिथिन फंस जाए आपकी गाड़ी में, गाड़ी खर 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 करती है, दो मिनट में जब तक गाड़ी रोकोगे नहीं आपको इरिटेशन होती कि गाड़ी में क्या फंस गया। एक लाश फंसी हुई है 12 किलोमीटर तक, वो लाश घसीटते हुए ले जा रहे हैं और पुलिस के डीसीपी साहब क्या कह रहे हैं कि गाड़ी का म्यूजिक इतना तेज था कि गाड़ी के अंदर जो 5 आरोपी बैठे थे उन बेचारों को पता ही नहीं चला, गाड़ी का म्यूजिक तेज था, इसलिए 12 किलोमीटर तक वो रैली निकाल रहे थे 20 किलोमीटर की स्पीड पे, इलाके में यू टर्न मार रहे थे, उनको पता नहीं चला, और जब गाड़ी से निकल गई तब उन्हें पता चला।